एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एम्पलीफायर्स कुल कितने तरह के होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जो एक एक एम्पलीफायर है उसका जो गेन होता है, वोल्टेज गेन या करंट गेन, वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एम्पलीफायर है उनको कितने तरह से हम बांट सकते हैं। तो जो एम्पलीफायर है उसको हम कुल चार तरह से बांटते हैं, जिसमें से एक होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वोल्टता प्रवर्धक। हिंदी में हम इसको कहते हैं वोल्टता प्रवर्धक। दूसरा होता है करंट एम्पलीफायर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धारा प्रवर्धक। तीसरा होता है ट्रांसकंडक्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं अंतर चालकता एम्पलीफायर, यानी कि प्रवर्धक। और चौथे टाइप का जो होता है ट्रांस रेजिस्टिव, जिसको हम कहते हैं अंतर प्रतिरोधक प्रवर्धक। ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो एम्पलीफायर है वो कितने तरह के होते हैं, तो कुल चार तरह के होते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर वगैरह इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चार तरह के हैं, कौन कौन से हैं? एक वोल्टेज है, एक करंट एम्पलीफायर, एक ट्रांसकंडक्टेंस और एक ट्रांस रेजिस्टिव। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज एम्पलीफायर और करंट एम्पलीफायर की। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसका? वोल्टेज एम्पलीफायर का। वोल्टेज एम्पलीफायर, जिसको हम हिंदी में वोल्टता प्रवर्धक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज एम्पलीफायर है, इसका जो सर्किट होता है, इसका सर्किट थेवेनिन सर्किट के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका जो सर्किट है वो किसके इक्विवेलेंट है? थेवेनिन सर्किट। अब ये थेवेनिन सर्किट या थेवेनिन जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्किट थ्योरी के लेक्चर्स में, जहाँ पर हमने पढ़ा था थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम। और थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम का अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैंने उसके लिंक प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहाँ से उसे फॉलो कर आप लिंक को देख सकते हैं। तो इसका जो सर्किट है वो थेवेनिन सर्किट के इक्विवेलेंट होता है। तो अब इसके एक बार सर्किट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर्किट क्या है। तो सबसे पहले तो ये लेफ्ट वाला सर्किट है और इसको मैं नंबर देता हूँ एक, और ये जो आउटपुट सर्किट है इसको मैं नंबर देता हूँ दो। तो जो इनपुट सर्किट है इसमें एक लगी है सोर्स वोल्टेज, उस सोर्स वोल्टेज को हमने नाम दिया है Vs। इस सोर्स वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस, जिसको हमने नाम दिया है सोर्स रेजिस्टेंस, और इसके साथ एक इनपुट रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। क्या लगाया गया है? इनपुट रेजिस्टेंस। और ये दोनों रेजिस्टेंस सोर्स वोल्टेज के साथ किस में है? सीरीज में है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो सर्किट है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो कौन सी करंट फ्लो कर रही है? आई का मतलब है इनपुट करंट। इसी तरह से जो इसका आउटपुट वाला सर्किट है, इसमें ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हम नाम देंगे लोड रेजिस्टेंस RL। ये जो RO है इसको हम बोलेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। और ये जो लगा हुआ है AV into VI, ये है वोल्टेज सोर्स, जहाँ पर जो AV है उस AV को हम बोलेंगे क्या? वोल्टेज गेन, ठीक है। इनको मैंने आगे डिफाइन भी किया हुआ है कैसे, कि Vs जो है वो सप्लाई वोल्टेज है या सोर्स वोल्टेज है, Vi जो है वो इनपुट वोल्टेज है, V0 है वो आउटपुट वोल्टेज है, Rs का मतलब है सोर्स रेजिस्टेंस, RL का मतलब है लोड रेजिस्टेंस, RI का मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस, II का मतलब है इनपुट करंट, और I0 का मतलब है आउटपुट करंट। अब हमें इस सर्किट का क्या करना है? एनालिसिस करना है। तो सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे अब। तो सर्किट एनालिसिस, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैं जो ये वाला सर्किट है जिसको इनपुट सर्किट बोल रहे हैं हम, इस इनपुट सर्किट में हम लगाएंगे KVL, ठीक है। तो अप्लाई KVL इन इनपुट सर्किट। तो इनपुट सर्किट में अगर हम KVL लगाते हैं तो हमें क्या इक्वेशन देखने को मिलेगी? देखो यहाँ पर अगर KVL लगाते हो तो Vs फिर -IIRS फिर -IIRI। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आ रही है? हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो बन के आएगी, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, Vs -II into RS -II into RI = 0।
और इसको हम पक्षांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, वी एस इक्वल्स टू आई आई आर आई प्लस आई आई और आर एस, इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि हम ये कंसिडर करें कि जो आर आई है यानी कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो सोर्स रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इफ आर आई वो ज़्यादा है किससे, सोर्स रेजिस्टेंस से, तो उस केस में क्या होगा, जो आर एस है उसको हम लगभग किसके बराबर मान लेंगे, जीरो, तो उसको जीरो के बराबर मान लेंगे। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को वापस से हम रीराइट करके लिख सकते हैं, आर एस तो जीरो हो गया, क्या बचेगा आई आई और आर आई, क्या बचेगा आई आई और आर आई, और इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पर जो मैंने इनपुट पर वोल्टेज ली हुई है, आर आई के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, इनपुट वोल्टेज के बराबर है, तो इनपुट वोल्टेज के बराबर है यानी कि वी आई जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, आई आई और आर आई। ठीक है, तो हम सर्किट से देख सकते हैं, तो फ्रॉम इनपुट सर्किट से हमें ये देखने को मिल रहा है जो इनपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है, आई आई और आर आई के बराबर है, तो इक्वेशन दो और तीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो वी एस है वो बराबर किसके होगा, वी एन के। सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, तो इक्वेशन टू एंड थ्री से हम क्या कह सकते हैं कि वी एस बराबर होगा किसके, वी एन के, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर चार। ठीक है, क्या लिखा इसको, इक्वेशन नंबर चार। अब हम सर्किट लेंगे आउटपुट सर्किट। ठीक है, तो आउटपुट सर्किट की अगर हम बात करें तो आउटपुट सर्किट में हमें क्या इक्वेशन देखने को मिलेगी, केवीएल लगाने पर हमें देखने को मिलेगा कि जो वी नॉट है ये वी नॉट बराबर होगा ए वी वी आई प्लस आई नॉट इंटू आर नॉट के। ठीक है, तो अगर हम आउटपुट सर्किट में केवीएल लगाते हैं तो अप्लाई केवीएल इन आउटपुट सर्किट, तो आउटपुट सर्किट में यदि केवीएल हम लगा रहे हैं तो हमें इक्वेशन देखने को मिल रही है क्या, वी नॉट इक्वल्स टू ए वी इंटू वी आई प्लस आई आई इंटू आर नॉट, और ये भी हम देख पा रहे हैं कि जो वी नॉट है वो किसके बराबर है, वो है बराबर किसके, आई नॉट, ये आई नॉट है, आई नॉट और इंटू आर एल, यानी कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर है। अगर इसको मैं लिखूँ इक्वेशन पाँच और इसको लिख दूँ इक्वेशन छः, तो पाँच और छः आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके पहले मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि जो आर एल है वो आर नॉट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ आर एल ग्रेटर देन आर नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइव को वापस से हम रिपीट करके लिख सकते हैं क्या, वी नॉट इक्वल्स टू ए वी इंटू वी आई, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सात। तो यदि अब इक्वेशन छः और सात को कंपेयर करूँ तो कंपेयर इक्वेशन सिक्स एंड सेवन, तो इक्वेशन सिक्स और सेवन को अगर कंपेयर करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट आर एल इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू मिल रहा है ये वी नॉट हो गया, आई नॉट आर एल, और उसके बाद यहाँ से मेरे को मिल रहा है ए वी और वी आई, ए वी वी आई, ये वाला ए वी और वी आई, और वी आई जो है, वी आई मतलब वी इन, ये किसके बराबर है, वी एस के, तो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट इक्वल्स टू ए वी इंटू वी एस, ठीक है, ए वी इंटू वी एस बराबर ए वी इंटू वी आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि वी आई बराबर है किसके, वी एस के। तो अब अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इन दोनों को पकड़ूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है कि ए वी जो है वो किसके बराबर है, वी नॉट अपॉन वी एस के, और ये क्या हो गया, वोल्टेज गेन, ये किसकी वैल्यू हो गई, वोल्टेज गेन, किसके वोल्टेज गेन की वैल्यू हो गई, ये कौन से वोल्टेज एम्पलीफायर की, वोल्टेज एम्पलीफायर की क्या हो गई, ये वोल्टेज गेन हो गई। तो एक
वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए उसकी जो वोल्टेज गेन है वो किसके बराबर होती है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, आउटपुट वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं सोर्स वोल्टेज। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई कि यदि जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो आइडियल है, ठीक है, फॉर आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, तो एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए जो आर आई है, आर आई यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये हमें याद रखनी है। और इसी तरह से जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होती है जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो। ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, इनपुट, तो इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है जीरो। तो ये था किसके बारे में, ये था वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में, और होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्किट एनालिसिस भी इसका कोई ऐसा भारी काम नहीं था, सिंपल जो सीरीज पैरेलल सर्किट के फंडे हैं वही हमने यहाँ पर लगाए थे। ठीक है, तो अभी तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो वो कमेंट में अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरी को लिख के भेज सकता है, जैसे ही मैं उसे देखूंगा रिप्लाई उसका तुरंत मैं करूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, करंट एम्पलीफायर की। तो करंट एम्पलीफायर की बात करें तो करंट एम्पलीफायर जिसको हिंदी में कहते हैं धारा प्रवर्धक, क्या कहते हैं, धारा प्रवर्धक। अब जो वोल्टेज एम्पलीफायर था उसका जो सर्किट था वो किसके इक्विवेलेंट बन रहा था, थेवेनिन्स सर्किट के, और यहाँ पर जो सर्किट बन रहा है वो किसके इक्विवेलेंट बन रहा है, नॉर्टन्स सर्किट के, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अगर किसी को नहीं पता तो उसका लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसको कि आप प्लेलिस्ट, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं सर्किट थ्योरी के लेक्चर, तो वहाँ पर आपको लेक्चर मिलेगा नॉर्टन्स थ्योरम का भी और थेवेनिन्स थ्योरम का भी, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो करंट एम्पलीफायर के सर्किट को अगर हम एक बार देखें तो इस सर्किट में मेरे को क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है मेरे को करंट सोर्स जिसको मैंने लिखा है आई एस से, फिर मेरे को दिख रहा है एक आर एस, आर एस को हम क्या बोलेंगे, सोर्स रेजिस्टेंस या सप्लाई रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। फिर हमें दिख रहा है आर आई, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आई है, वी आई का मतलब है इनपुट वोल्टेज। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है आई आई, कितनी करंट फ्लो कर रही है आई आई। आउटपुट पर जो करंट आ रही है वो आ रही है आई नॉट, यहाँ पर फिर से एक सोर्स लगाया गया है जो है ए आई आई आई, ए आई का मतलब है करंट गेन। आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस और आर एल का मतलब क्या है, लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, वहाँ पर सर्किट था थेवेनिन्स, यहाँ पर कौन सा है, नॉर्टन। तो अब यदि हम एनालिसिस करें सर्किट का, तो इनपुट सर्किट का अगर एनालिसिस करें तो इनपुट सर्किट पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ तक करंट आ रही है कितनी, आई एस। फिर आई एस करंट जो है आगे चली वो दो पार्ट में टूटेगी, यहाँ एक जाएगी और एक करंट यहाँ जाएगी, तो करंट दो पार्ट में टूट रही है, यानी कि ये जो सर्किट है किसमें है, पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, आई आई की। तो आई आई की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, करंट डिवाइडर मेथड यूज़ करेंगे, जो हम यूज़ करते हैं पैरेलल सर्किट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस इनपुट सर्किट इज इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई आई की। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आई यूज करंट डिवाइडर मेथड। अब ये करंट डिवाइडर मेथड क्या है, हमें ये पता है कि यदि दो रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, ऐसे लगाए दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ से करंट जा रही है I, इसमें करंट हो गई I1 और यहाँ करंट हो गई I2। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2। तो अगर मेरे को वैल्यू चाहिए I1 की, तो I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, कुल करंट इनटू उसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस। R1 में चाहिए तो उसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस R2 और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इसी तरह से अगर मेरे को I2 चाहिए तो I2 कितना होगा, कुल करंट कितनी I, उसके सामने वाला रेजिस्टेंस कितना R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो सेम कहानी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर
हमें करंट कौन सी चाहिए, आई आई, तो आई आई करंट चाहिए, तो कुल करंट कितनी, आई एस। करंट किस में जाएगी, आई आई, आर आई में, तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, आर एस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम सर्किट हम सर्किट से देख पा रहे हैं कि जो आई आई की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, आई एस आर एस अपॉन आर आई प्लस आर एस। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई करंट की, इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करें कि यदि आर एस की वैल्यू आर आई से ज़्यादा है, इफ़ आर एस ग्रेटर देन आर आई, तो हम आर आई को क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो आर आई को हम लगभग जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे तो आई आई की वैल्यू क्या बचेगी, वो बचेगी आई एस आर एस अपॉन आर एस, तो आर एस से आर एस मर गया, तो यहाँ क्या बचेगा, आई आई इज इक्वल्स टू आई एस। ठीक है, और इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर दो। अब सेम कहानी हम कहाँ पर करेंगे, हम यूज़ करेंगे आउटपुट सर्किट में। तो आउटपुट सर्किट में अब क्या है, आउटपुट सर्किट को एक बार हम वापस से देख लें। तो आउटपुट सर्किट में एक करंट सोर्स है, फिर एक रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में आर नॉट, और करंट बाहर निकल रही है कितनी, आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो आई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनपुट पर जो टोटल करंट आ रही है, यहाँ से जो टोटल करंट जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, ए आई आई आई, ये वैल्यू कितनी है, ए आई और आई आई। ये आगे चल के दो ब्रांच में बटी, एक यहाँ चली गई और एक यहाँ चली गई, मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, आई नॉट की। तो आई नॉट कैसे निकालोगे, आई नॉट कहाँ जा रही है, आर एल में, तो ये I नॉट कहाँ जा रही है, आर एल में, एक मिनट रुको, ये जो I नॉट है ये कहाँ जा रही है, आर एल में, और मेरे को I नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो I नॉट किसके बराबर होगा, I नॉट इज इक्वल्स टू आर एल के सामने वाला रेजिस्टेंस आर नॉट, कुल करंट कितनी हो गई, ए आई 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 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर नॉट प्लस आर एल, कितना हो गया, आर नॉट प्लस आर एल। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि जो वैल्यू आ जाएगी आउटपुट सर्किट में, तो फ्रॉम आउटपुट सर्किट, तो फ्रॉम आउटपुट सर्किट हमने वापस से लगाया करंट डिवाइडर मेथड, और करंट डिवाइडर मेथड लगाने पर हमें आउटपुट करंट मिली, कितनी मिली, कुल करंट कितनी हो गई, ए आई 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 अपॉन इनटू कितना हो गया, आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर एल, ये वैल्यू हो गई। अब यदि हम कहें कि आर नॉट ज़्यादा है किससे, आर एल से, ठीक है, इफ़ आर नॉट ग्रेटर देन आर एल, तो उस केस में क्या होगा, आई नॉट इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा ए आई 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 इंटू आर नॉट, आर एल क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा आर नॉट, तो आर नॉट से आर नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके पहले हमने देखा यहाँ पर कि आई आई किसके बराबर है, आई एस के, ठीक है, तो सिंस आई आई बराबर है किसके, आई एस के, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो आई नॉट इक्वल्स टू ए आई, और ये क्या हो जाएगा, आई एस, तो आई ए आई जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई नॉट अपॉन आई एस, तो ये क्या हो गया, करंट गेन, ये क्या हो गया, करंट गेन की वैल्यू, और ये करंट गेन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये बराबर हो गई किसके, आउटपुट करंट अपॉन सप्लाई करंट या सोर्स करंट, आउटपुट करंट अपॉन सप्लाई करंट या सोर्स करंट, इसके बराबर हो गई ये वैल्यू। जिस तरह से हमने वोल्टेज एम्पलीफायर में पढ़ा था कि एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है और जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, इसी तरह से करंट एम्पलीफायर के लिए जो आइडियल करंट एम्पलीफायर के लिए जो आर आई है वहाँ पर आर आई कितना था इनफाइनाइट, यहाँ पर कितना होगा जीरो, वहाँ पर आउटपुट कितना था जीरो, यहाँ पर कितना होगा इनफाइनाइट। ठीक है, दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में जो आर आई था वो था इनफाइनाइट और जो आउटपुट रेजिस्टेंस था वो कितना था जीरो, जबकि करंट एम्पलीफायर में उसका जस्ट उल्टा होगा, आर आई होगा कितना जीरो और आर नॉट होगा कितना इनफाइनाइट। तो होपफुली ये जो दो एम्पलीफायर हमने पढ़े, करंट एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आपके डाउट क्वेरीज को कमेंट में लिख के भेजिए, और साथ ही साथ यदि आप लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के दो एम्पलीफायर्स के साथ। टिल देन थैंक यू।